हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय देवांशु गर्ग। मैं आपका स्वागत करता हूँ देव क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट फिजिक्स और उसके एक बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इस डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी इसमें आपको नोट्स मिलते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं और फिर आपको कहीं से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर मैं आपको वीडियो बताऊँगा वही आपको नोट डाउन कर लेना है और वही आपके पूरे चैप्टर में काम आएगा। आपको कहीं से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको केवल उसको नोट डाउन करना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इफेक्ट ऑफ फोर्स कि हमारा फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड देन लॉज ऑफ मोशन, हमारे जो मोशन के लॉ होते हैं जो कि न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन मास एंड इनर्शिया कि हमारा मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन होता है, देन वी विल सी अबाउट द मोमेंटम एंड व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड मास, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पर होता है तब उसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम की यूनिट, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया था, जिसके बेस पे हमारा फोर्स कैलकुलेट होता है, देन प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, जिसको हम एक्शन इक्वल टू रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट, अब आपको जो इसमें नोट्स दिखाई देंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं और मुझे आशा है कि जो मैं आपको समझाऊंगा आप उसे अच्छे से समझेंगे और उसको। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में कि हमारा मोशन होता है और मोशन इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि मोशन का बेसिक कॉज क्या होता है। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, वाई द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि हमारा रिटार्डेशन क्यों होता है, हमने ये डिस्कस नहीं किया कि हमारा एक्सेलेरेशन क्यों होता है, हमने केवल डिस्कस किया था कि हमारा मोशन होता है। तो आइए इस चैप्टर में हमें उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर सर्च करने हैं कि हमारा मोशन का बेसिक कॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ अ फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क, यानी कि वो फोर्स जो हमको किसी वर्क करने के लिए इनेबल करता है, यानी कि जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं। आगे देखिए, टू डू एनीथिंग यानी कि कुछ भी करने के लिए, आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, या तो हम पुल करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। हम अपनी लाइफ में केवल दो ही चीज़ें करते हैं, या तो पुल या फिर हम पुश करते हैं, इसलिए पुश और पुल को ही फोर्स कहा जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको कुछ भी वर्क करना है तो या तो आपको पुल करना होगा या फिर आपको पुश करना होगा, इट इज़ कॉल्ड अ फोर्स। आइए स्टूडेंट अब इसके एग्जाम्पल के देख लेते हैं। आइए, टू ओपन अ डोर, आइदर वी पुश और पुल, या तो हम डोर को पुश करते हैं या फिर उसको पुल करते हैं। अ ड्रॉअर इज पुल्ड टू ओपन एंड पुश टू क्लोज, एक ड्रॉअर होता है जिसको हम या तो पुल कर सकते हैं ओपन करने के लिए और पुश कर सकते हैं क्लोज करने के लिए। तो यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो हमें या तो पुश करना होगा या फिर हमको पुल करना होगा, और पुश और पुल इनको ही हम फोर्स कहते हैं। आइए स्टूडेंट अब कुछ इफेक्ट देख लेते हैं फोर्स के। बहुत ही सिंपल है और आपको जो नोट्स दिख रहे हैं आप इनको ही बना लीजिएगा, आपको किसी अदर नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी
इन मोशन, यानी कि किसी बॉडी को हमारा मोशन में कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किक करते हैं, या जैसे फुटबॉल को किक करते हैं अप्लाइंग फोर्स के द्वारा, तो वो आपकी मोशन में आ जाती है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स अ रनिंग साइकिल और अ रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप. आपकी साइकिल या आपकी जो व्हीकल है वो ब्रेक के द्वारा हमारी स्टॉप हो सकती है. अच्छा, फोर्स का ये मीनिंग तो होता ही है कि हमारा किसी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में कर सकता है और किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है. लेकिन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो. फोर्स हमारे किसी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है. कोई अगर हमारी डायरेक्शन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. तब तक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग फोर्स दैट इज बाय मूविंग हैंडल, जैसे आप हैंडल को मूव करते हैं तभी हमारी जो साइकिल है मूव करती है, डायरेक्शन चेंज करती है. द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग बाईसाइकिल कैन बी चेंज, बाईसाइकिल की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली, बाय मूविंग स्टीयरिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग व्हीकल इज चेंज. अगर आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं तभी जो व्हीकल है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो. और यहाँ पे तीनों के एग्जांपल दिए गए हैं, आप इन तीनों को नोट कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स हमारे किसी इस बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकता है. बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड. और अप्लाइंग ब्रेक्स द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज्ड. अगर आप किसी बॉडी में बॉडी की स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा. और अगर आप किसी बॉडी की स्पीड को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे. ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीड चेंज करने के लिए आपको एक्सेलेरेशन देना होगा, और अगर आप स्पीड कम करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक लगाना होगा. नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हमारा केवल मूव कराता है या बॉडी को स्टॉप करने का काम आता है. फोर्स का एक काम और होता है. फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बाय हैमरिंग अ ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न इंटू अ थिन शीट. अगर हम हैमर से किसी एक ब्लॉक ले मेटल का और उस पर हैमर से वार करें, हैमर से उसको हिट करें, तो वह थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, टर्न हो सकता है. बाय हैमरिंग अ स्टोन कैन बी ब्रेकन इंटू पीसेज. एक स्टोन भी हमारा पीसेज में ब्रेक हो सकता है. इसका मतलब ये है कि हम शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं. और आपने देखा भी होगा कि अगर हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हैं तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाता है. और अगर हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तब भी उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है. अगर आप बैलून की बात करते हैं, तो बैलून में भी अगर आप बैलून को लें और उसको दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स के जो हमारे इफेक्ट हैं, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और आपको इसके एग्जाम्पल भी लिख लेने हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे 5 इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के. आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, फोर्सेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. हमारी लाइफ में जो फोर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेज. अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेज. तो देखिए, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज. अगर हमारा रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स का जीरो होता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेज. एग्जाम्पल, इन द टग ऑफ वार इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन. कहने का मीनिंग ये है कि अगर एक हमारा नॉर्थ से फोर्स अप्लाई करता है तो सेकंड वाला साउथ से फोर्स अप्लाई करता है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों फोर्स हमारे अप्लाई होंगे अपोजिट डायरेक्शन में. तो आप देख सकते हैं, रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड. रोप किसी भी साइड में मूव नहीं करेगी,
लेकिन उसका रिजल्ट ये आएगा कि रोप की शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बैलेंस फोर्स वहाँ पे अप्लाई हुआ, और बैलेंस फोर्स अप्लाई होने से रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम्स जीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई करते हैं और अगर उनका रिजल्टेंट जीरो आता है तो हमारे बैलेंस्ड फोर्स होंगे, और बैलेंस्ड फोर्स में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट मूव ना करे लेकिन उसकी शेप एंड साइज हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। तो ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी स्टेट को चेंज नहीं करता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। ये हमारी होती है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड फोर्सेज हमारे डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेज कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड जो फोर्सेज होते हैं वो शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल, व्हेन फोर्सेज आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ बैलून। अगर दोनों साइड से बैलून पर फोर्स अप्लाई होता है तो साइज एंड द शेप ऑफ द बैलून इज चेंज। हमारा साइज चेंज हो जाएगा और हमारी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो आपको सिंपली बात ये ध्यान रखनी है कि बैलेंस फोर्स हमारा बॉडी को मूव नहीं करा सकता है अगर बॉडी स्टॉप में है, और अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उसको हमारा स्टॉप भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से हमारा इक्वल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। और बैलेंस फोर्स हमारा शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। बैलेंस फोर्स हमारा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही में अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है स्टूडेंट? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज आर ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। इन सिंपल वर्ड्स, इन बैलेंस्ड फोर्सेज द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो, बट इन द अनबैलेंस्ड फोर्स द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नॉट जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। आप देख सकते हैं कि अगर हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो सपोज हमने एक साइड से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और सेकंड साइड से हमने 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं कि जो 10 न्यूटन वाला साइड है वो हमारा बिगर हो गया। तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, तो ग्रेटर दैन 3। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जिस तरह हमारा 10 न्यूटन वाला पार्ट है और वो अगर हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है तो हमारा ऑब्जेक्ट नॉर्थ की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ हमारा ग्रेटर वाला मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइड बैलेंस्ड फोर्सेज। अगर हमारे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन में हमको करना है तो उसके लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं करेगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स हमारी कुछ चीज़ें और कर सकता है, जैसे कि मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हमारी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को, और शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड फोर्सेज हमारे इक्वल होते हैं और साथ में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो हमारी चेंज ऑफ स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्सेस है उसमें रिजल्टेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है, स्पीड इंक्रीज कर सकता है, स्पीड डिक्रीज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, और शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो मोशन का कॉज होता है दैट इज़ फोर्स, और फोर्स को हम डिफाइन करते हैं आइदर पुश और आइदर पुल। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज बैलेंस्ड फोर्सेज एंड अदर वन इज अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो स्टूडेंट आपको ये नोट अब नोट डाउन कर लेने हैं और उसके बाद इनको एक बार पढ़ जरूर लेना है इसको। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।